ओम वंदे गौमात्रा मित्रों, आज एक ऐसे प्रश्न पर हम बात करने जा रहे हैं जो मेरे काफ़ी दर्शकों ने पूछा, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि आज विवाह संबंध निभ नहीं पा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ बातें ऐसी आई हैं कि भाई हम कैसे जानें कि हमने जिस व्यक्ति को चुना है जीवन साथी के लिए, हम जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यक्ति सही है या गलत, ये हमें कैसे पता चले। चलिए आज इसी विषय पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, दो व्यक्ति जब नज़दीक आते हैं, उनके विचार, उनके व्यवहार काफ़ी हद तक बढ़ते हैं, अर्थात एक दूसरे से वो लोग शेयर करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे से। तो घर की स्थितियाँ, घर की परिस्थितियाँ, अपने जो घर का जो माहौल है, वो सब की भी चर्चा होती है। पर एक बात और है कि जब अफेयर होता है तो कुछ लोग एक गलती कर बैठते हैं, जिसमें शारीरिक संबंध बनाने की गलतियों कर लेते हैं। क्योंकि ये गलती मैं इसलिए कहूँगी, यदि विवाह आपको करना ही है तो आप इतने दिन प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते, यानी कि आप वेट क्यों नहीं कर सकते, आप इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। और यदि विवाह नहीं करना है तो आप ये जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए आगे जाकर रोने का कारण बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बातें आपको समझनी होंगी। जब क्योंकि होता कई बार क्या है कि यदि दोनों व्यक्ति सीरियस नहीं हैं, कभी कभी कोई लड़की सीरियस नहीं होती, कभी लड़के सीरियस नहीं होते, तो उनका इंटरेस्ट बस शारीरिक संबंध बनाने में होता है और उसके बाद विदा ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बना रहा है, जो जल्दबाजी कर रहा है, उसकी भावना को आप समझिए, शायद उसका उसकी रुचि आप में इतनी ही हो तो आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए कभी भी अफेयर जब चल रहा है, शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि यदि आप ये गलती करते हैं तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना पड़े। क्योंकि यदि आपको एबॉर्शन करवाना पड़ गया तो आप शायद दोबारा माँ बन जल्दी ना बन पाएँ। यदि आप पुरुष हैं, आपने इस तरह अपना वीर्य बहाया, तो आप शायद पिता ना बन पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों के लिए ये स्थितियाँ घातक हो सकती हैं। इसलिए आप अपने वीर्य को बचाएँ और आप अपनी भूमि को बचाएँ, ताकि आप दोनों भविष्य में माता पिता बन सकें। दूसरी बात, यदि आपका अफेयर चल रहा है और जिससे आपका अफेयर चल रहा है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति आपको आपके घर से अलग करना चाह रहा है या चाह रही है, तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं, एक बात देखते हैं कि लोग ये कहते हैं, अफेयर करने वाले अक्सर ये कह देते हैं, अरे शादी कर लेते हैं बाद में तो माँ बाप मान ही जाएंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा हो जाएगा तो मान जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे चलते हैं ना, क्या होता है देखते हैं। नहीं, यदि ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बन रही हैं तो समझ लीजिए जो व्यक्ति ये बात कह रहा है वो घातक है। मित्रों, आपने प्रेम किया है, प्रेम को लोग पूजा के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि आपकी प्रेम में वासना है, हवस है, सिर्फ आकर्षण है, तो ये आपके लिए पाप बन जाएगा। कैसे? यदि आप अपने घर को छोड़ के अपने घर वालों से की अनुमति के बिना विवाह करते हैं, तो भविष्य में यदि आपका जो जीवन साथी है, आपकी जो जीवन संगनी जो भी है, वो आपको धोखा दे, तो आपके घर वाले उस समय आपको स्वीकार नहीं करते और ना ही वो आपको सांत्वना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़कियों के, बेटियों के, बहनों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरा विवाह, मैंने लव मैरिज की थी, अब मेरा बच्चा 6 महीने का है, मेरे पति का किसी और से अफेयर है। कुछ पुरुष भी ऐसे टिप्पणी करते हैं कि मैंने विवाह किया था, लव मैरिज की थी, अब मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा है और मेरी पत्नी किसी और के साथ चली गई है, बच्चा मुझे संभालना है। तो ऐसी स्थितियाँ दोनों के साथ बनती हैं, एक के साथ बनती, ऐसा नहीं है। तो यदि आप अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर ये काम करते हैं, तो दूसरे को अवसर मिल जाता है, जो गलत है उसको अवसर मिल जाता है कि वो कुछ ऐसा कर दे, और वो करता ही है या करती ही है। यहाँ आप मेहरबानी करके स्त्री पुरुष का भेद ना करें, ये दूसरे व्यक्ति की बात है जो करते हैं। हम करते हैं शब्द का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यदि आप किसी के साथ अफेयर में हैं, तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें कि ना परिवार तोड़ने की बात करें, दोनों परिवारों को जुड़ना चाहिए और दोनों के प्रयास होने चाहिए कि दोनों परिवार जुड़ें। मित्रों, संबंध दो परिवारों में भी होते हैं, मात्र दो व्यक्तियों के संबंध, और दो व्यक्तियों के संबंध होंगे
तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखें, और जिनके हैं ऐसे स्थितियां बनी हैं वो आप अपनी स्थितियों की टिप्पणियां अवश्य करके, हमारे साथ ये स्थिति बनी है तो औरों को इससे सावधान होने की प्रेरणा मिलेगी। और वैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की जल्दबाजी कदापि ना करें, ये मात्र और मात्र वासना होती है। मित्रों, वासना अंधी होती है, प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम को सब कुछ दिखता है, प्रेम सिर्फ सामने वाले का भला सोचता है, प्रेम सिर्फ जिससे प्यार करते हैं ना उसके बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन वासना अंधी होती है, वो मात्र अपना स्वार्थ देखती है। इसलिए कभी भी वासना के वशीभूत ना हो, प्रेम को प्रेम रखें। और यदि आपकी कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, कोई रोग विशेष है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें हमने वीडियोस दे रखे हैं, और वीडियो विवरण के वीडियोस हैं उनमें, उनको आप पालन करने से सभी रोगों का समाधान हो जाता है। और आपको अपने विषय का वीडियो ना मिले तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक दे रखी है, वहाँ मैसेंजर में प्रश्न पूछ सकते हैं और आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।